अगर पैसा नहीं है तो अपने भी नहीं है। कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाएगी और गरीबी का आनंद तो वो ही लोग जानते हैं जो उस गली से गुजर के आए, जिन्होंने गरीबी देखी। और जो चांदी के टुकड़ों में पल के बड़े हुए वो क्या समझे कि गरीबी होती क्या है। पैसा बिन माता पिता पूत को कपूत कहे और पैसा बिन भैया कहे कौन को जो भाई है। पैसा बिन चाचा कहे कौन है भतीजो मेरो और पैसा बिन सासु कहे कौन को जमाई है। पैसा बिन भर पेट भोजन तक मिले तो ना है और पैसा बिन गाड़ी दे जाते लुगाई है। और पैसा बिन सभा में बैठी इज्जत तक होती ना है और पैसा ऐसी चीज जा दुनिया में बनाई है। बिना पैसा के कुछ नहीं। ये 50 रुपए आए हैं असुनी यदुवंशी शिवम यादव जो छतारी के रहने वाले हैं उनकी तरफ से। ये गीत हम नहीं गाते भैया। और 100 रुपया भिजवा रहे हैं हमारे करीब 20-20 रुपया साथियों को ये नीरज यादव ड्राइवर साहब सन ऑफ राम कैलाश इसी गांव आठपुरा के रहने वाले हैं। और 5100 रुपया भंडारे में दान आए ये शेष पाल और प्रभुरे जो हमारे कथा मालिक मुकेश के चाचा जी उनकी तरफ से। और 100 रुपया हमारे करीब 20-20 रुपया साथियों को 10-10 रुपया कलश वाली कन्याओं को ये राधा मैम उनकी तरफ से। 100 रुपया हमारे पास 20-20 रुपया सभी साथियों को कलश वाली कन्याओं को एक एक टिफिन ये दिव्या मैम इसी विद्यालय में पढ़ाती हैं। और 100 रुपये आए हैं शिषपाल यादव सनो करण सिंह नगला महानंद उनकी तरफ से। 100-100 रुपया ये 100 रुपया 10-10 रुपया सभी साथियों के पास आए हैं। और 100 रुपया हमारे पास 50-50 रुपया साथियों को कलश वाली कन्याओं को 10-10 रुपया जो ये पिंकी इसी गांव जो इसी स्कूल में पढ़ाती हैं 100 रुपया। और 5 फल हमारे ये लड्डू गोपाल को कलश वाली कन्याओं को एक एक टिफिन भी आया है। और ये 20 रुपया आशू सनोप राघवेंद्र यादव और 50 रुपया सनोज यादव ये आए हैं छतारी के रहने वाले हैं उनकी तरफ से। लिखा है होली के बारे में, चलो अभी हम थोड़ी थोड़ी सुना देंगे। कलश वाली कन्याएं तुम सब इकट्ठी बैठा करो, आवाज लगे तुरंत खड़ी हो जाया करो। गरीब हो गए बहुत जल्दी में देखें आगे। कोई कोई दिन ऐसा निकल जाता है जो बच्चों को भोजन दे देते खुद पानी पी के पेट भर लेते। आहा, वो सुदामा पर किसी रोज बीजी भर के बे आटा दाल न पाते। देखो गरीबी गरीबी के नजारे गरीब
हो गए सुदामा। एक दिन इनकी पत्नी पूछने लगी है, महाराज दुखी तो वो रहते जो पाप करते, और मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, तो भगवान हमें इतना कमजोर काय को बना रहा है।